नमस्कार दोस्तों, PLCR DHM चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पशुधन सहायक से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जिस भी दोस्त को मेरा वीडियो अच्छा लगे, वो सबसे पहले लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पशु को जब पेट दर्द हो तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? तो पशु को एनाल्जेसिक दवा दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा दस्त अवरोधक है? तो यह है मेट्रोजाइल, नेबलोन और सल्फा होती है जो दस्त अवरोधक दोस्ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा अस्थि मज्जा के कार्य में अवरोध पैदा करती है? तो यह क्लोरोएमिफिनोल है। और नेक्स्ट है, रिकेट्स नामक रोग में निम्न में से किन पशुओं को होता है? तो यह छोटी उम्र के पशुओं में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा लेड विषाक्तता का एंटीडोट है? तो सीसा लेड विषाक्तता का एंटीडोट बाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबेशियन नामक रोग की उत्तम दुआ है? तो बबेशियन नामक रोग की उत्तम दुआ डाइमिनाजिन एसिटूरियन एक्रिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीटोसिस नामक रोग निम्न कारण से हो सकता है? तो यह अधिक मात्रा में साइलेज खिलाने से होता है। और नेक्स्ट है, 9वीं से 12वीं पसलियों के बीच अंगुलियां टकराने पर पिंग आवाज़ निम्न रोग में सुनाई देती है? तो यह एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की आंतरिक संश्लेष्मा झिल्ली का शोथ कहलाता है? तो आंतरिक संश्लेष्मा झिल्ली का शोथ एंटीराइटिस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल से गैस निकालने वाली औषधि है? तो आहार नाल से गैस निकालने वाली औषधि एंटीजाइमोटिक औषधि है। और नेक्स्ट है, वक्र में पथरी या ट्यूमर में होने वाला कॉलिक है? तो यह रीनल कॉलिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की अपने अक्ष पर घूम जाना कहलाता है? तो यह वाल्वेलिस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत में ऐंठन से होने वाला रोग? तो बड़ी आंत में ऐंठन से होने वाला रोग स्पाज़मोडिक कोलिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल सूखा ठोस व कम मात्रा में आना है? तो यह कॉन्स्टिपेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में सामान्य बिलिरुबिन की मात्रा है? तो यह 0.0 से 1.9 मिलीग्राम प्रति ml है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा थैनेला रोग की सबसे अच्छी निम्न में से कौन सी दवा है? तो यह टीमुलिन दवा है जो माइक्रोप्लाज्म थैनेला रोग की सबसे अच्छी दवा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिटेनक्स टॉक्सिडाइड की सभी पशुओं की कौन सी खुराक है? तो यह 1 से 2 ml खुराक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन स्टेन 19 निम्न बीमारियों से किसका टीका है? तो यह ब्रुसिलोसिस का टीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रेट विषाक्तता का विशेष एंटीडोट है? तो यह मिथाइलिन ब्लू एंटीडोट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, BQ फंड सूजन कौन से सूक्ष्म जीव के कारण से होता है? तो यह BQ ब्लैक क्वार्टर रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम चौलाई की वजह सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा माइक्रोबैक्टीरियम क्षय रोग करता है? तो यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। और नेक्स्ट है, पशु को प्रतिदिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देने की मात्रा है? तो पशु को प्रतिदिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देने की मात्रा 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के हिसाब से देनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की विषाक्तता का एंटीडोट है? तो इसका एंटीडोट एट्रोपिन की दुगनी मात्रा में है। और नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोकोकस थैलेना रोग की सबसे अच्छी निम्न में से कौन सी दवा है? तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और नेक्स्ट है, रक्षात्मक टिटेनस टेंटीटॉक्सिन सीरम में गोवंश व घोड़े में रोग निरोधक खुराक है? तो यह 15 से 3000 IU IM और सबकट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नगाना नामक रोग किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है? तो यह टीवीवैक्स नामक सूक्ष्म जीवी के कारण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसे
चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेटा मसल हाइड्रोक्लोराइड नामक औषधि किस रोग में काम आती है? तो यह निमेटोड इन्फेक्शन में काम आती है। और नेक्स्ट है लेसमेनिया डोवाकी नामक रोग कौन सी दवा काम में ली जाती है? जो लेसमेनिया डोवाकी रोग है उसके अंदर एंटीमनी यौगिक दवा काम में ली जाती है। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दवा सर्रा रोग में काम ली जाती है? तो सर्रा रोग के अंदर बेरिनिल दवा काम में ली जाती है। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दवा कोक्सीडियोसिस में काम आती है? तो यह एम्पोरियम दवा कोक्सीडियोसिस में काम आती है। और नेक्स्ट है वह कौन सा देश है जो रेबीज मुक्त है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है जो रेबीज मुक्त देश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पाई कोरोना वायरस जनित रोग है? तो यह एफएमडी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किम में जेब्रा मार्किंग निम्न रोग में बनती है? तो यह साल्मोनेलोसिस रोग में बनती है। और नेक्स्ट है निम्न में से सेलेज डिजीज कौन सी है? तो यह लिस्टेरियोसिस और सर्किलिंग रोग है जो सेलेज डिजीज है। और नेक्स्ट है इकोलाई संक्रमण में ड्रग्स ऑफ च्वाइस निम्न में से है? तो यह थीमुटिन दवा है जो ड्रग्स ऑफ च्वाइस है इकोलाई रोग की। और नेक्स्ट है थेलनर रोग में दुग्ध की पीएच होती है? तो थेलनर रोग के अंदर दुग्ध की पीएच 7.4 होती है। और नेक्स्ट है सामान्य दुग्ध की पीएच होती है? तो सामान्य दुग्ध की पीएच 6 से 6.4 होती है। और नेक्स्ट है निम्न में से थैलेनर रोग के परीक्षण है? तो थैलेनर रोग के परीक्षण क्लोराइड टेस्ट और ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट और ब्रोमोकिसाल पर्पल टेस्ट है जो थैलेनर रोग के अंदर किए जाते हैं। और नेक्स्ट है वुल शॉर्टर डिजीज निम्न का उपनाम है? तो यह एंथ्रेक्स का उपनाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सपैडियन रिएक्शन निम्न का परीक्षण है? तो यह एंथ्रेक्स रोग का परीक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पशुओं में ब्रुसेलोसिस नामक रोग में होता है? तो यह ब्रुसेलोसिस नामक रोग से गर्भपात एपिडिडाइमिटिस व वर्षणों की सूजन और हाइग्रोमा एब्सेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टीका 4 से 8 माह के मादा बच्चों के काम में लिया जाता है? तो यह ब्रुसेला एवोर्टस लाइव 19 स्टोन टीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइलेरिया परवा का आकार होता है? तो थाइलेरिया परवा का आकार होता है छड़ की भांति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु माता किस वायरस के कारण होता है? तो पशु माता रोग होता है वो आरएनए वायरस के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों में अमोनियम खाद का अधिक उपयोग करने से भी निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो अमोनियम खाद का अधिक उपयोग करने से लैक्टिटेशन टिटेनाइड नामक रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में साधारणतः कौन सा सल्फामाइड काम में लिया जाता है? तो पशुओं के अंदर सल्फामोजामिथिन नामक सल्फामाइड काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट है लिस्मोनियोसिस या ट्रोपिका नामक रोग में कौन सी दवा काम में ली जाती है? तो लिस्मोनियोसिस या ट्रोपिका नामक रोग में बारबेरियम सल्फेट नामक दवा काम में ली जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हुक कर्मी में कौन सी दवा ज़्यादा अच्छी है? तो हुक कर्मी के अंदर पेरेंटल पाल्पोनियट नामक दवा सबसे अच्छी दवा है। और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके बारे में अवगत कराना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।